पेट्रोल पंप पर कार्ड से आम लोगों के लिए राहत वाले कदम के तहत बैंकों ने अपने उस फैसले को आगामी कुछ दिनों तक के लिए टाल दिया है, जिसमें पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भुगतान करने पर चार्ज लेने की बात कही गई थी। पेट्रोल पंपों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 13 जनवरी तक पेट्रोल लिया जा सकेगा। बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं के बजाय इन पेट्रोल पंपों पर लेन देन MDR शुल्क लगाने का निर्णय किए जाने के बाद पेट्रोल पंपों ने सिर्फ नकद भुगतान से पेट्रोल देने का फैसला किया था और रविवार की रात से इन लोगों ने पॉइंट ऑफ सेल मशीनें भी हटानी शुरू कर दी थी। लेकिन बैंकों द्वारा शुल्क लगाने का फैसला फिलहाल वापस ले लेने के बाद रविवार देर रात पेट्रोल पंप मालिकों ने इस फैसले को टाल दिया। पेट्रोल पंप पर कार्ड पेमेंट पर ऐसे समय पर रोक लग रही है जब केंद्र प्लास्टिक मनी द्वारा पेट्रोल खरीदने को प्राथमिकता देने पर जोर दे रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नॉन कैश ट्रांजैक्शन पर 0.75% कैशबैक की सुविधा दी थी। बैंकों द्वारा इस फैसले के बारे में ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक ने शनिवार रात को डीलर्स को नोटिस भेज शुल्क लगाने की जानकारी दी। देश के 56,190 पेट्रोल पंप में से करीब 52,000 पेट्रोल पंपों पर ICICI और HDFC बैंक की कार्ड स्वाइप मशीनें हैं। नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की खरीद पर MDR खत्म कर दिया था, लेकिन 50 दिन की छूट की अवधि समाप्त होने के बाद बैंकों ने पेट्रोल पंप मालिकों पर MDR लगाने का निर्णय किया है। ऐसे में अब इस फैसले के वापस लेने से सरकार और जनता दोनों के लिए राहत वाली खबर है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।